हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो आज हम एनपीओ का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो फंड वर्ड यूज हुआ है उसका क्या मीनिंग है, राइट? तो फंड का क्या मीनिंग है? कोई भी अमाउंट जो एनपीओ को कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है उसको क्या कहते हैं हम? फंड। तो क्या कहेंगे? अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसे हम क्या बोलेंगे? फंड। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक एनपीओ है। एनपीओ कौन सी है? स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है? एक स्पोर्ट्स क्लब है और ये क्या है? एक एनपीओ है। और एक मेंबर है इस एनपीओ के, इन स्पोर्ट्स क्लब के, ये मेंबर है। इन मेंबर का जो नाम है वो है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी इस स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन स्पोर्ट्स क्लब को, इस स्पोर्ट्स क्लब को 20-10 लाख डोनेट करे। क्या करे? डोनेट करे। लेकिन डोनेट करते टाइम उन्होंने ये मेंशन कर दिया, ये बोल दिया कि जो मैं ये आपको 10 लाख रुपीज दे रहा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ही यूज होने चाहिए। क्या बोला? ये 10 लाख रुपीज एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ही यूज होने चाहिए। तो जो ये 10 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए हैं वो क्या हुआ है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुए हैं, राइट? तो इन 10 लाख को मैं क्या बोलूंगा? फंड। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? फंड का मीनिंग समझ में आता है? तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। तो एनपीओ क्या करेगा? एनपीओ को जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है, एनपीओ हर फंड के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। तो यहां पे वो क्या करेगा? एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा। किस नेम से? टूर्नामेंट फंड अकाउंट के नेम से। एनपीओ हर फंड के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती है टूर्नामेंट से रिलेटेड, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी कहां होंगी? टूर्नामेंट फंड में, टूर्नामेंट फंड अकाउंट में, राइट? जैसे कि अभी ट्रांजैक्शंस क्या है, अभी मुझे डोनेशन रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव हुई है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? डोनेशन रिसीव्ड रुपीज 10 लाख, राइट? तो अब जो भी मैं टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंसेस करूंगा वो मैं इसी में से क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, लेस एक्सपेंसेस फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो लेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक 2 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए, तो मैं क्या कर दूंगा? 2 लाख लेस कर दूंगा, ठीक है? अब सिमिलरली अगर कोई और आगे अमाउंट रिसीव होगा तो वो भी क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा, राइट? अब ये टूर्नामेंट फंड अकाउंट शो कहां पे होगा, राइट? अगर आप एक बात सोचो, ये जो मुझे फंड रिसीव हुआ है, जो मुझे पैसे रिसीव हुआ है, जो एनपीओ को रिसीव हुआ है, वो एक तरह से एनपीओ के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको मैं ये पैसे दे रहा हूं और मेरे लिए आप ये वाला काम कर दो, मेरे लिए टूर्नामेंट कर दो। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक ऑब्लिगेशन आ गई कि मैं ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसका आपको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है। और जहां पे अगर आपको याद हो, जहां पे ऑब्लिगेशन आ जाती है वो क्या होती है? लायबिलिटी, कि आपको पैसे रिसीव हो गए हैं, अब आपको इन पैसों के लिए, पैसों से क्या करना है? टूर्नामेंट करना है, राइट? तो जैसे जैसे मैं टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंसेस इनकर करता रहूंगा वैसे वैसे मेरी लायबिलिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। कि 10 लाख मुझे रिसीव हुए थे, 2 लाख का मैं काम कर चुका हूं, 2 लाख रुपीज में टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंसेस इनकर कर चुका हूं, इसलिए क्या हो गए? लेस हो गए। तो कहां शो होगा ये बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो अब एक चीज और, कि जैसे एनपीओ देखता है कि अभी मेरे पास 8 लाख रुपीज और हैं फंड में, तो क्यों ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दी जाए। अभी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो क्यों ना मैं कुछ इन्वेस्ट कर दूं। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे मुझे क्या होगा? कुछ इनकम ही तो आएगी, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम आएगी। ऐसे ही फंड में पैसे पड़े हुए हैं, इससे अच्छा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर एनपीओ ने क्या सोचा, क्यों ना इन्वेस्ट कर दूं मैं 5 लाख रुपीज। उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और उससे आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर दी 50,000 की। अब इसका क्या करेंगे?
सबसे ज्यादा गलती जहां होती है वो यहीं पे होती है। क्या करते हैं बच्चे कि 5 लाख रुपीज यहीं से डिडक्ट लेस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक बात बताओ कि जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है आउट ऑफ टूर्नामेंट फंड, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, क्या मैंने वो टूर्नामेंट कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है? क्या मैंने जो खर्चा किया या कुछ भी किया है वो टूर्नामेंट कराने के लिए किया? नहीं, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी ₹5 लाख की। तो क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट यहां से लेस नहीं होगी, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक एसेट हो जाएगी बस, जो मैं एसेट साइड पे क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा। अब बात आती है 50,000 की, जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम ये 50,000 की है, वो मुझे अर्न कैसे हुई है, वो मैंने अर्न कैसे करी है, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट फंड से पैसे इन्वेस्ट करे हैं। तो जो ये 50,000 है वो क्या हो जाएगा, इसी में ही एड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो पैसे मैं जनरेट करूंगा, जो इनकम मैं जनरेट करूंगा आउट ऑफ टूर्नामेंट फंड, वो टूर्नामेंट फंड के लिए ही यूज होंगे। तो ये क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा एड, मैं 50,000 भी टूर्नामेंट के लिए ही यूज करूंगा, यूज कर सकता हूं और कहीं यूज नहीं कर सकता। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे होगा। तो ये बात हमने समझ लिया कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कहां आएंगी, टूर्नामेंट फंड अकाउंट में। बैलेंस शीट में अब इसको हमें कैसे शो करना है, हम एक बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। ये हमने एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लिया। अब क्या होगा, टूर्नामेंट फंड कहां पे शो होना है, लायबिलिटी साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी है मेरी। अब फॉर एग्जांपल कि ये टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर तक भी चला, तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस। अगर आपके फंड में कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो आप लिख दोगे सबसे पहले कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करोगे, जो भी आपको डोनेशन रिसीव हुई है, जो भी मुझे डोनेशन रिसीव हुई है, किसके लिए, स्पेसिफिकली टूर्नामेंट के लिए, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ऐड कर दूंगा, राइट। लेस क्या करूंगा, लेस करूंगा जो क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट के लिए जो मैंने एक्सपेंसेस करे हैं वो मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है, लेस कर दिए। और मुझे ऐड एक चीज और भी करनी है, क्या, ये 50,000 जो अर्न किए थे, ऐड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया। बाकी और भी अगर कोई ट्रांजेक्शन है आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जो किससे रिलेटेड है, टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टूर्नामेंट से, वो कहां आएगी, यहां आ जाएगी। जो भी टोटल आएगा वो आपको यहां पे शो कर देना। तो हमेशा याद रखना कि जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम होंगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, वो कहां आएगी, सिर्फ और सिर्फ यहां लायबिलिटी साइड में ही शो होगी। जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो ऐड कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे वो लेस कर देंगे, और कोई इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करी थी वो मैं कहां शो कर दूंगा, एसेट साइड पे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नेम से, राइट। जो भी इन्वेस्टमेंट शो की थी वो यहां आ गई, और जो बाकी था, जो एक्सपेंसेस थे, जो इनकम जनरेट हुई थी, वो मैंने टूर्नामेंट फंड में ऐड कर दिया। तो याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इसमें से डिडक्ट नहीं होती, इसमें से सिर्फ वही डिडक्ट होगा जो मैं टूर्नामेंट करने के लिए करूंगा, राइट। ये इन्वेस्टमेंट तो बस मैंने ऐसे ही कर दी क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई, वो मैंने इनकम यहां पे ऐड कर दी, ठीक है। जब भी मुझे पैसे चाहिए होंगे मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा, तो ये टेम्परेरीली है, तो ये यहां से डिडक्ट नहीं करनी, ठीक है। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।